हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिक चैनल। दोस्तों, आज मैं मानव कंकाल तंत्र से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट से हमेशा आते रहते हैं या आने की संभावना है आने वाले टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एनएलटी एग्जाम्स में, तो मैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में ऐड की हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इससे पहले मैं थ्योरिकल रूप से मैं समझा चुकी हूँ मानव कंकाल तंत्र के पार्ट वन एंड पार्ट टू में, तो उसे जाके जरूर देख लीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में, जिससे आपको हड्डियों से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आंसर देने में आसानी होगी, क्योंकि मैं पार्ट वन में हड्डियों के प्रकार एंड पार्ट टू में समस्त 206 हड्डियों के बारे में प्रदर्शित की हूँ। तो चलिए आज जानते हैं उस सभी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? जैसा कि आपको आप सबको पता होगा, मैंडिबल। ठीक है, यहाँ मैंडिबल लिखा गया है, मैंडिबल होता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जो हमारा निचला जबड़ा होता है, दाढ़ी वाला पार्ट, ठीक है, वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। एंड शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज, कान का। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1.1 इंच होता है, यानी 2.8 सेंटीमीटर। अनुमान लगा लीजिए 2 सेंटीमीटर में कितना होगा, उतना बड़ा है कान की स्टेपीज हड्डी। एंड सबसे लंबी और भारी अस्थि कौन है? तो हमारी जांग की, फीमर। ठीक है, और इसको कभी कभी उर्वास्थि भी बोला जाता है, और इसकी लंबाई जो है 48 सेंटीमीटर है। कभी कभी लंबाई भी पूछ देता है कि सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी है, तो 48 सेंटीमीटर, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड स्टर्नम, जिसे उरोस्थि भी कहते हैं, और वो कहाँ पे होता है? जो हमारी पसलियाँ होती हैं छाती पे, यानी वक्ष पे, स्टर्नम से ही दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, तो वही स्टर्नम है, बीच वाला हिस्सा। ठीक है, एंड एक कितना लंबा होता है? 17 सेंटीमीटर लंबा होता है वयस्कों में। ठीक है, तो हमारी फीमर 48 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड स्टर्नम 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, खिलाड़ियों या मानव की उम्र का पता। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक फैक्ट है कि खिलाड़ियों या मानव की उम्र का पता किस तरीके से लगाया जाता है, तो खिलाड़ियों के दांतों की संख्या को देखकर एंड दाहिने हाथ की हड्डी से लगाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खिलाड़ियों की उम्र या मानव की उम्र की पता कैसे लगाया जाता है? खिलाड़ियों की दांतों की संख्या और दाहिने हाथ की हड्डी से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, खोपड़ी का गतिशील भाग कौन होता है? दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह फैक्ट एकदम इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस तरह का घुमा फिरा के पूछेगा आपको। तो खोपड़ी का सबसे गतिशील भाग कौन है? तो हमारा मैंडिबल होता है। ठीक है, निचला जबड़ा, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होती है, वही खोपड़ी का सबसे गतिशील भाग होती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने में, हमारे खाने में, ये सब करने में कौन ज्यादा गतिशील हो रहा है? हमारी दाढ़ी वाला पार्ट जो है, वही सबसे ज्यादा गतिशील हो रहा है, तो उसी को मैंडिबल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खोपड़ी का सबसे गतिशील भाग कौन है? तो मैंडिबल, निचला जबड़ा। अपर लिंब की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? आप ही बताइए सोच के, कि अपर लिंब यानी दोनों हाथों और कंधों को मिला करके सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ह्यूमरस,
ठीक है, जो हमारे बाजू में पाई जाती है, स्कैपुला के नीचे और कोहनी के ऊपर, जो एक लंबी मोटी हड्डी होती है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। हाथ में। नेक्स्ट है, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड्डियों के संधियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आर्थोलॉजी। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी एंड हड्डियों के संधियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोला जाता है। विज्ञान की नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, यहाँ उपाधियों लिखा गया है लेकिन हाँ उपास्थियों होगा। ठीक है, मनुष्य की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, उपास्थि में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन है? कॉन्ड्रिन। ठीक है, एंड अस्थियों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन है? आसीन। दोस्तों मैं अस्थि एंड उपास्थि के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख लीजिए। जैसे कि मैं बताई हूँ कि उपास्थि जो होता है वो अर्ध कठोर होता है, लचीला होता है, जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि हमारे जोड़ों पर पाई जाती है गद्दे के रूप में, जिसे हमारे चोटों की रक्षा करती है, हमारे श्वास नली के छल्लों में पाई जाती है, कोमल स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, अस्थियाँ जो होती हैं वो कठोर होती है कैल्शियम फास्फोरस के कारण, उपस्थिति के कारण। ठीक है, और अस्थियाँ ऑसिन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं और उपास्थि कॉन्ड्रिन नामक। ठीक है, एंड अस्थियों के चारों ओर के आवरण को, देखिए हर चीज के एक फैक्ट इसमें आवरण पूछा जाता है, तो अस्थियों की चारों ओर के आवरण को पेरिऑस्टियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिऑस्टियम। जिस प्रकार हृदय के चारों ओर के आवरण को क्या बोला जाता है, जैसे कि हृदय तीन पेशियों से बना होता है, तो पहले आवरण को सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट है, हड्डियों के जोड़ों पर, दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? जो हमारे हड्डी के ज्वाइंट्स होते हैं, दो हड्डियों के ज्वाइंट्स, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, वही भी उपास्थि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो हड्डियों के जोड़ों यानी ज्वाइंट्स पर एक तरल पदार्थ भरा रहता है उसमें, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव कहते हैं। दो हड्डियों के जोड़ों पर और जोड़ों के बीच में, जोड़ों के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव। इस साइनोवियल द्रव जो है हड्डियों को लुब्रिकेट्स प्रदान करता है जिससे कि हमारी हड्डियां घिसती नहीं है। ठीक है, उसमें ज्वाइंट्स पर ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट्स पर क्या क्या पाया जाता है? ज्वाइंट्स में तरल पदार्थ जो होता है वो साइनोवियल द्रव होता है। ठीक है, एंड ज्वाइंट्स, दो हड्डियों के ज्वाइंट्स पर गद्दे नुमा आवरण पाया जाता है जिसे उपास्थि यानी कार्टिलेज बोलते हैं। एंड दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ने वाला तंतु कौन होता है? तो लिगामेंट्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड यानी दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ने वाला लिगामेंट्स होता है, और एंड मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला क्या होता है? टेंडन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, अस्थियों में कठोरता एवं दृढ़ता किसके कारण बनी रहती है? ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, किसके कारण अस्थियों में क्या ज्यादा पाया जाता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। ठीक है, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस के मिश्रण से अस्थियों में कठोरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, हड्डियों में लचीलापन किसके कारण होता है? किस कारण से हड्डियां, अगर लचीलापन थोड़ा भी न होता तो हम अपने अंगों को इधर उधर कैसे मोड़ते? तो ऑसिन और म्यूको प्रोटीन तथा क्रिएटिन से होता है। ठीक है, हड्डियों में लचीलापन किसके कारण होता है? ऑसिन, म्यूको प्रोटीन तथा क्रिएटिन से। ठीक है,
नेक्स्ट है, वर्टिब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव कब पड़ता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल डिस्क, उस पर सर्वाधिक दबाव किस स्थिति में पड़ता है? तो जब हम बैठे रहते हैं तो बैठने पर सर्वाधिक दबाव उस पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा दांतों की संरचना, तो दांतों की सबसे ऊपरी परत जो व्हाइट व्हाइट दिखता है वो इनामिल होता है, एंड उसके बाद इनामिल के नीचे एक कैल्शियम की परत वाली होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, एंड उससे भी जो सबसे आंतरिक हिस्सा होता है दांतों की वो होता है मज्जा गुहा, उसमें रक्त कोशिकाएं वाहिनियां पाई जाती हैं एंड तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यही तीन ही भाग होता है दांत का, तो इसे माइंड में रखिएगा। तो दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामिल। ये शरीर की सबसे मजबूत भाग होता है। दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो मैंडिबल आप बोलेंगे। ठीक है, जो हमारे निचला जबड़ा होता है, एंड यदि शरीर के सबसे मजबूत हिस्सा है अगर उसमें इनामिल दिया है तो इनामिल सही होगा। ठीक है, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन होता है? इनामिल, दांत का इनामिल। एंड नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो मुझे आशा है कि सबको पता होगा, तो दांतों को चार भागों में बांटा गया है, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, अपश्चवर्णक। कृंतक यानी इंसीजर्स, इसको कृंतक न पूछ करके इंसीजर्स सीधे पूछ सकता है, इसलिए उसका इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी कृंतक यानी इंसीजर्स, रत्नक यानी किनाइन, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोरल, अपश्चवर्णक यानी मोरल। तो इसमें इंसीजर्स यानी कृंतक कितने होते हैं? चार। यहाँ पे मैं ऊपरी भाग की 16 पंक्तियों की बात कर रही हूँ, तो यानी ऊपरी निचली दोनों में क्या होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो ऊपर ऊपरी भाग में 16 होती है, निचली भाग में 16। तो 16 दांतों में कृंतक जो है इंसिजर्स की संख्या कितनी होती है? चार, जो काटने के काम आता है भोजन को। एंड रत्नक जो केनाइन होता है वो दो होता है, यानी जो सबसे बीच की दांत होती है वो कृंतक इंसिजर जो चार होते हैं, और उसी इंसिजर्स के बगल में दोनों तरफ एक एक चीरने वाला दांत होता है जिसे केनाइन कहती है रत्नक। एंड उसके बाद अग्रचवर्णक प्रीमोरल जो चौकोर आकृति के दांत होते हैं दार से पूर्व, वो संख्या में चार होते हैं, कुचलने वाला होता है, भोजन को कुचलने के काम आता है। एंड पश्चवर्णक यानी मोरल जो होता है सबसे लास्ट वाले दांत जो होते हैं चौकोर वाले दांत, तो वो संख्या में छह होती है दोनों तरफ हमारे दोनों जबड़ों के ऊपरी या निचली पंक्ति में, ये चबाने के काम आता है। तो इस तरह के से यदि एक पंक्ति में पूछेगा कि कृदंत यानी इंसिजर्स की संख्या कितनी होती है, तो चार। यदि पूछेगा डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि इंसिजर्स यानी कृंतक की संख्या कितनी है दांतों में, तो आप चार चार आठ यानी आठ बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से जोड़ के बोल आप आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थि संस्थान का कार्य। अस्थि संस्थान का क्या कार्य है? यह शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करता है। क्या करता है? निश्चित आकृति और गति प्रदान करता है। अस्थियों की संधियां, यहाँ पे संधियां लिखा गया है, अस्थियों की संधियां यानी जो ज्वाइंट्स होता है उस शरीर को क्या प्रदान करती है? गति प्रदान करती है। सोचिए यदि एक डायरेक्ट सीधे सीधे हड्डी होता तो क्या हम गति कर पाते? नो। ये ज्वाइंट्स जो होते हैं बीच बीच में, उसके कारण ही हम हाथ पैर यानी सभी अंगों के इधर उधर मोड़ सकते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? कभी कभी तो 22 होती है, ठीक है, और कभी कभी 29 देता है, कभी 28 देता है, तो वो भी सही होगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, जहां भी स्कल पूछेगा वहां 22, 29, 28 ऐसे पूछ सकता है। एंड मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के सिर यानी मस्तिष्क क्रेनियल बोन, जहां भी क्रेनियल पूछेगा वहां सिर्फ 8 रहेगा, ठीक है, 8 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी कहीं दिया रहेगा, कहीं 24 होगा, ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखे कहिएगा। यदि पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो 24 सही होगा। कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी, ठीक है, दोनों तरफ 12 12 होती है। किस हड्डी को कालर बोन कहा जाता है? जैसा कि आप सब जानते होंगे, कालर बोन जो है हमारे जो हसली वाला होता है, जिसे आम भाषा में हसली बोलते हैं, क्लेविकल जैसे देखते होंगे, गर्दन के नीचे एक पतली सी हड्डी जाती है हमारे पसलियों से निकल करके, उरोस्थि से निकल करके और स्कैपुला से जाके जुड़ती है, ठीक है। किस हड्डी को सोलर ब्लेड कहते हैं? ठीक है, तो इसे भी आपको पता होगा। तो सोलर ब्लेड किसको कहते हैं? स्कैपुला हड्डी को सोलर ब्लेड कहते हैं, जो हमारे कंधे की हड्डी है उसको स्कैपुला बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सोलर ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल बोन कितनी होती है? जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है? जैसा कि आपको पता होगा ये कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल बोन कितनी होती है हमारे गर्दन में? तो 7 हड्डियां होती है, जिसमें से दोस्तों 2 हड्डियां होती है सर्वाइकल की। सबसे पहली हड्डी को एटलस बोलते हैं एंड दूसरी हड्डी को अक्षक बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका कौन है? तो कौन है? शीर्षधर कशेरुका है। यानी देखिए, रीढ़ की हड्डी को 2-3 नामों से जाना जाता है, उसको इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, एंड एक रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, एंड कशेरुका भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब कंफ्यूज मत होइएगा। तो खोपड़ी को साधने वाले जो हमारी खोपड़ी है वो किस पे सधी होती है? यानी गर्दन की, यानी सर्वाइकल बोन की जो पहली हड्डी होती है एटलस, उस पे सधी होती है, ठीक है। तो इसीलिए एटलस को शीर्षधर भी बोला जाता है, यानी सिर को धारण करने वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर यानी लंबर रीजन में कितनी हड्डियां होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो उस रीढ़ की हड्डी में हमारे कमर की हड्डी कितनी होती है, यानी लंबर रीजन में? तो 5 हड्डी होती है। मानव शरीर में, नेक्स्ट है, मानव शरीर में वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो 33, यानी पूरी रीढ़ की हड्डियां मानव शरीर में कितनी होती है? तो 33 होती है। एंड वयस्कों में कितनी होती है? 26 होती है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। रीढ़ की हड्डी कुल कितनी होती है? 33, बट वयस्कों में 26 होती है एंड बच्चों में 33 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड रीढ़ की हड्डियों में मैं शुरू से लास्ट तक बताती हूँ कि सर्वाइकल बोन कितनी होती है? 7 होती है। एंड जो वक्षीय हिस्सा पे होता है थोरेसिक बोन, वक्ष की रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 12 होती है। एंड कमर में यानी लंबर रीजन में 5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में कितनी रीढ़ की हड्डी होती है? तो बच्चों में कितनी होती है? 33। तो लंबर यानी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीढ़ की हड्डी कुल कितनी होती है? 33 होती है। वयस्कों में रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? 26 होती है। एंड बच्चों में कितनी रीढ़ की हड्डी होती है? 33 होती है। तो शुरू से लास्ट तक रीढ़ की हड्डी में, जैसे कि सबसे पहले सर्वाइकल आता है, गर्दन की हड्डियां, उसमें कितनी होती है? 7 होती है, ठीक। उसके बाद वच आता है, जिसको थोरेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, तो वच में कितनी होती है हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? 12, ठीक है ना, 12 होती है। एंड फिर हमारा कमर आता है लंबर रीजन, जैसे कहते हैं इंग्लिश में,
तो उसमें कमर में कितनी होती है, पांच होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे 37वां क्वेश्चन है सेक्रल। दोस्तों सेक्रल और कॉक्सीजियल दोनों हड्डियों को मिलाकर के 9 हड्डियां होती हैं, जिससे जो हमारी 33 हड्डियां होती हैं वही आगे वयस्कों में जाकर के 26 हो जाती हैं। कैसे, जो हमारी 9 लास्ट की 9 हड्डियां होती हैं वो 9 हड्डियां मिलकर के एक, 5 मिलकर के एक हो जाती है सेक्रल, एक 4 मिलकर के एक कॉक्सीजील हो जाती है, जिससे हमारी 26 हड्डियां ही बचती हैं वयस्क होने पर। इसलिए वयस्कों में 26 हड्डियां पाई जाती हैं रीढ़ की और बच्चों में 33। तो इस प्रकार नेक्स्ट है कि सेक्रल यानी सेक्रल रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, तो 5। कॉक्सीजील रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, जो इस रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर होता है 4 होती है, जो हमारे हिप में यानी कुल्ले में जाकर के जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जैसा कि सबको पता होगा तो 206, एंड बच्चों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो ये भी सबको पता होगा, तो 300 के लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंकाल तंत्र से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस टॉपिक में हमारा मांसपेशी से रिलेटेड होगा, जो मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती हैं, कैसे कार्य करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी मांसपेशी का क्या कार्य है, इन सब के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।